गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की ये जो वीडियो है, ये राइटिंग में, पीटी में, रीसेंट चेंजेस के बारे में है। अभी कुछ दिनों से काफी विवाद चल रहा है, बच्चे काफी कंफ्यूजन में है कि पीटी में अभी कोई रिसेंटली कोई चेंज आया है सर, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों का राइटिंग में स्कोर कम आ रहा है। और खास तौर पे एक चीज जो उभर के आ रही है, जो नोटिस की जा रही है, वो ये है कि जो बच्चे एक पर्टिकुलर टेम्पलेट राइटिंग ऐसे में जो यूज करते हैं पीटी में, उनके साथ काफी नाइंसाफी हो रही है, स्कोर काफी कम आ रहा है बच्चों का। तो पिछले लगभग एक हफ्ते से इसके बारे में लगातार अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आ रही थी। जितने भी हमारी ब्रांचेस हैं, कई जगह पे कई बच्चे ये यूज करते थे। तो हालांकि ये माइनॉरिटी में था, लेकिन उसकी वजह से काफी बच्चों को नुकसान हुआ है। तो मैंने जब काफी सारे बच्चों से रिजल्ट मंगवाया, पिछले लगभग मैं 3 दिन के रिजल्ट अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले 3 दिन का मतलब कि आज 6 जून है, तो लगभग 3, 4 और 5 जून की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन 3 दिनों में लगभग 5 से 6 बच्चों ने, जिन्होंने ये टेम्पलेट यूज किया था, तो उनकी स्किल प्रोफाइल मैंने अभी ओपन करके रखी हुई है, सो दैट हम देख पाए कि इन बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया था अपने एग्जाम में। तो मैं स्किल प्रोफाइल आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा स्किल प्रोफाइल के कंसेप्ट को समझते हैं, तो आपको ये पता होगा कि इसमें ये जो कॉलम्स हैं, इनमें से ये जो कॉलम है एक्सटेंडेड राइटिंग वाला, ये जो कॉलम है, ये हमें बताता है कि बच्चे का राइट ऐसे में कितना स्कोर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मैं अलग अलग बच्चों के स्कोर आपको शो करता जाऊंगा। ये एक स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया था, और इस एग्जाम में आप देखो, इसी टेम्पलेट के आधार पे इस बच्चे ने बिल्कुल अराउंड ये 0 ही मानेंगे, क्योंकि मिनिमम इतना स्कोर आता है, 10 आता है, तो ये इतना स्कोर मिनिमम इसमें शो होता है। तो ये बच्चे ने इतना स्कोर इसमें गेन किया है। एक दूसरा बच्चा, आप मुझे बड़ी हैरानी है, ये जो बच्चा है इसका मैंने पूरी, हालांकि मैं आईडी ओपन करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, वीडियो को लंबा कर नहीं सकते, मेरे पास पूरा सेटअप भी अभी यहाँ पे नहीं है। आप इस बच्चे का स्कोर देखेंगे, इसका 3 में 7 है। राजेश, अभी मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे हमारे रिजल्ट अपलोड हो गए इनका, तो 3 में 7 है। मेरे ख्याल से स्पीकिंग में इनका स्कोर 83-84 है समथिंग, और राइटिंग में स्कोर इनका 52 आया है। तो ये आप देखें, एक्सटेंडेड राइटिंग में राइट ऐसे में वही टेम्पलेट यूज करके कितना आप देख सकते हैं कम स्कोर है इसमें। इसके अलावा तीसरा एक और स्टूडेंट है, इनका भी सेम वही हाल है। तो ये राइटिंग में काफी बच्चे, मतलब अभी कुछ दिनों से, ये चौथा स्टूडेंट आप देख सकते हैं राइटिंग में बिल्कुल एक सेक्शन में आप देखो टारगेट हो रहा है। ये एक्सटेंडेड स्पीकिंग में भी इस बच्चे ने भी वो टेम्पलेट में भी यूज किए होंगे। तो ये राइटिंग काफी हद तक बच्चे इसमें पिछड़ रहे हैं। तो एक और मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पास स्कोर है Z5 थे कुल मिलाकर, मैंने अभी कलेक्ट किए थे जल्दबाजी में, क्योंकि समय कम था, तो मैंने जितने मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट हो पाए मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि सब बच्चे कहीं ना कहीं इसी में सफर कर रहे हैं। तो मैं अभी क्या समझा रहा हूँ आपको, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो। पिछले 2 मंथ से पीटी लगातार अपने स्कोरिंग सिस्टम में चेंज कर रहा है। इसमें हमारी जो स्पीकिंग है, उसमें हमारे पोजेस, हमारे इंटोनेशन काफी अब वैल्यू रखते हैं। तो अगर आप आउटडेटेड मेथड, आउटडेटेड टेम्पलेट से, या जो तरीके से आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले स्कोर आता था, अगर आप उन तरीकों को यूज करेंगे, तो आप पीटी में वो स्कोर नहीं आने वाला। पीटी कनाडा एक्सेप्ट कर रहा है, पीटी दुनिया भर में पेपर छाया हुआ है, तो पियर्सन वालों ने भी अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नो डाउट कई बच्चों को ये परेशानी वाला सबक लग रहा है अभी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें, तो पीटी के लिए बहुत जरूरी था कि एग्जाम को थोड़ा सा टफ करें, वरना इस एग्जाम की मार्केट में कुछ खास इज्जत नहीं थी। तो उन्होंने जो टफ किया वो ये किया, सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने राइट ऐसे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं लिखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में अगर आप इस टेम्पलेट को देखेंगे, इसमें बच्चे अक्सर आइडिया नहीं लिखते थे, तो बिना आइडिया लिखे अगर आप ट्राई करेंगे, चाहे आप कुछ हो सकता है किस्मत आपकी अच्छी निकले, आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट अच्छा हो या रिटन टेक्स्ट अच्छा हो, तो हो सकता है आपको स्कोर ठीक ठाक मिल जाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि राइटिंग में आप काफी पीछे रहने वाले हैं। स्पीकिंग में अभी कोमा पर रुकना, फुल स्टॉप पर रुकना है, बहुत जरूरी है। स्पीकिंग में इंटोनेशन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। राइटिंग में सिमिलरली इन टेम्पलेट्स में कुछ हद तक कंटेंट ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं अभी फोर जस्ट पे चेंज, काफी बच्चों को परेशानी हो सकती है, कई बच्चों ने एग्जाम फेल किया हुआ है अपना, खास तौर पे ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ मैं कि अभी सर मेरा 3 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है। तो देखो, इसमें ऐसा है कि मैं भी आपका दुश्मन तो हूँ नहीं, या कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। और अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप अपना टेम्पलेट चेंज कर दो, अगर खुद आपका टीचर आपको ये कह रहा है कि टेम्पलेट चेंज कर दो, तो उसका मतलब यही होता है कि मुझे पता है आपको दिक्कत आएगी, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल होगा टेम्पलेट चेंज करना, लेकिन ये मुश्किल, ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा, सो दैट आप अपने पेपर में दोबारा, आपको पेपर में ना जाना पड़े, पहले अटेम्प्ट में आप अपना अच्छा स्कोर कर पाओ। सो इस वजह से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो अभी भी ये टेम्पलेट पकड़ के बैठे हैं, कि कुछ नहीं होता, देखी जाएगी तो देखी, फिर अगले पेपर में जाएगी, इस पेपर में तो देखने लायक कुछ हाल बनेगा नहीं आपका, आपसे देखी नहीं जाएगी जो बनेगी।
तो मेक श्योर कि प्लीज अभी से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें। 2 दिन टेम्पलेट याद करने के लिए बहुत होते हैं। हाँ, किसी का अगर एग्जाम कल है, 7 तारीख को है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से नहीं है इतना समय, पर अगर आपके पास 2 दिन है तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ टाइम है। 2 दिन में आसानी से आप टेम्पलेट याद कर सकते हैं। एक टेम्पलेट, जस्ट फॉर ए चेंज, मैं आपको टेम्पलेट मैं दे देता हूँ, जिसमें आपको, अगर आपको लगता है मैं आइडिया नहीं कर पाऊंगा, जिनके पास 2 ही दिन है तो वो आइडिया नहीं करना चाहते, तो वो ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ये टेम्पलेट हम पिछले 1.5 साल से यूज कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, और मेरे ख्याल से 1.5 साल में ऑक्सफोर्ड में राइटिंग में किसी बच्चे को हमने फेल होते हुए नहीं देखा। तो एवरी टाइम ये 7 बैंड, हम कहते हैं इसको 7 बैंड वाला टेम्पलेट, एंड देर इज अनदर टेम्पलेट जो 8 बैंड के लिए, थोड़ा सा मुश्किल है 8 बैंड वाला। अगर 2-1 दिन का समय है तो आप 7 बैंड वाला टेम्पलेट यूज करो, और अगर आपके पास अभी समय पड़ा है तो 8 बैंड वाला टेम्पलेट आप यूज करेंगे। तो मैं अभी जल्दी से क्विकली आपको सिखा देता हूँ, बड़ा आसान है कैसे इसको यूज करना। देखो, 7 बैंड का टेम्पलेट यूज करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। ये दोनों चीजें आपको घर से नहीं लेके जानी है, दोनों चीजें आपको अपने एग्जाम में ही पेपर में बकायदा लिखी हुई मिलेंगी। एग्जाम में क्या मिलता है, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन मिलता है, तो ये मान लो एक क्वेश्चन मैं कोई भी उठा लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 19 उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 उठा लो, कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 उठा लो, 17, तो मैं कोई भी क्वेश्चन रैंडम अपने उठा सकते हैं। जैसे मान लो ये रहा, नाउ इट इज इंक्रीजिंग मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन राइट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो देखो, इस क्वेश्चन में से हमें 2 चीजें उठानी है, एक उठाना है टॉपिक स्टेटमेंट और एक उठाना है मेन टॉपिक। तो टॉपिक स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, टॉपिक स्टेटमेंट हम अपने क्वेश्चन की पहली लाइन को कह देते हैं। ये पहली लाइन जो है टॉपिक स्टेटमेंट होती है, ये इस क्वेश्चन की पहली लाइन, दिस इज द टॉपिक स्टेटमेंट, ये टॉपिक स्टेटमेंट है। टॉपिक स्टेटमेंट में बस इतना ध्यान रखना क्वेश्चन ही आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पहली, जैसे इसमें तो टॉपिक स्टेटमेंट ये हो गया, कई बार पहली एक ही लाइन होती है और उस लाइन में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ये सीधा एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, शुड पेरेंट बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल, तो आपको क्या करना है, शुड को इस लाइन के अंदर ले आना है, तो लाइन बन जाएगी पेरेंट्स शुड बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो शुड अंदर आते ही ये क्वेश्चन आपका एक सिंपल लाइन में, स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको यूज कर सकते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस के तौर पे। द सेकंड थिंग दैट यू नीड इज योर मेन टॉपिक। मेन टॉपिक आपको टॉपिक स्टेटमेंट में से ही उठाना है, और मेन टॉपिक के बारे में बस एक बात ध्यान रखना कि मेन टॉपिक आपका 1 या 2 वर्ड का होगा, और वो 1 या 2 वर्ड आपके टॉपिक स्टेटमेंट में से ही उठे होने चाहिए, टॉपिक सेंटेंस में से। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो सकता है मेन टॉपिक, यूनिवर्सिटीज हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, स्टूडेंट्स मार्क्स हो सकता है, कोई भी 2 वर्ड पे आपको लगे कि कुछ सेंस दे रहे हैं। जैसे स्टडी इफेक्टिवली मेन टॉपिक हो सकता है, कंफर्ट एंड पीस हो सकता है, पीस एंड टाइम हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 में जॉब एक मेन टॉपिक हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ एक बहुत अच्छा मेन टॉपिक बनेगा। 15 में बात करें तो राइट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड अदर एस्पेक्ट, इतना बड़ा लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है सिर्फ वर्क लिखना तब भी ठीक है, इसमें मैंने बहुत बार पेपर दे के देखा है, आप गलती करने की ट्राई भी करेंगे ना तब भी आप इसमें गलत नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी आप इसमें कोशिश करें आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। एरोप्लेन मेन टॉपिक हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 17 में मेन टॉपिक होगा म्यूजिक, या फिर हो सकता है यंग चिल्ड्रन, या हो सकता है लर्निंग, या हो सकता है रिसर्चर्स, रिसर्चेस सॉरी, और या फिर हो सकता है और तो क्या, रिजल्ट तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 18 में आ सकता है वर्ड्स गवर्नमेंट, एक अच्छा मेन टॉपिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करें तो एकेडमिक नॉलेज, बहुत परफेक्ट मेन टॉपिक है इसका, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन और प्रिंटेड बुक्स, प्रिंटेड बुक एक बहुत अच्छा मेन टॉपिक है। बस कोई भी 2 वर्ड उठाओ, ये दोनों वर्ड आपको क्वेश्चन में बैठ के उठाने, इसका 1% भी चिंता नहीं करनी कि इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझते जाना। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, ये सारा टॉपिक सेंटेंस है आपका, ये फर्स्ट वाले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपको टॉपिक सेंटेंस इस टेम्पलेट के सबसे लास्ट वाली लाइन पे भी लिखना। आप प्लीज इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आप बाद में जब ये टेम्पलेट पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो जल्दी से और टेम्पलेट अपने सामने रख लेना। टॉपिक स्टेटमेंट शुरू में, टॉपिक स्टेटमेंट लास्ट लाइन में, बाकी आप देख लो बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट है। जहां पर मेन टॉपिक लिखा है एम टी एम टी एम टी एम टी लिखा हुआ है, कोई आइडिया फिल करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नुकसान कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 बैंड मिनिमम 65 स्कोर इस पे आता है, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि ये मेन टॉपिक मेन टॉपिक मेन टॉपिक मेन टॉपिक ये मेन टॉपिक यहाँ पे फिल करने है सारे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये मेन टॉपिक आपको क्वेश्चन से उठाना है, ये टॉपिक स्टेटमेंट टॉपिक सेंटेंस क्वेश्चन से उठाना है, कुछ अलग नहीं करना। तो अगर आपके पास 2 दिन या 3 दिन का समय है तो आप ये वाला टेम्पलेट अच्छे से यूज कर सकते हैं। बच्चे नॉर्मली इस टेम्पलेट को 1-1.5 घंटे में बैठ के रट लेते हैं, कोई मुश्किल वर्ब इस टेम्पलेट में नहीं है, कोई खतरनाक वर्ड इस टेम्पलेट में नहीं है,
कोई एक भी जगह मेरे ख्याल से ऐसी नहीं है जहां पे आपको दिक्कत आए। हाँ, कुछ जगह बच्चे अक्सर डाउट करते हैं, जैसे वी शुड बी सर्कमस्पेक्ट, ये सर क्या लिखा हुआ है, ये तगड़े वर्ड्स हैं। देखो कुछ तो हमें अलग करना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से हम स्कोर कर पाए। वो कैप के 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हल्का सा एफर्ट यहाँ पे लगाओ और 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास समय है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये टेम्पलेट ट्राई करो। मैं मानता हूँ कम से कम इन दोनों टेम्पलेट में 7 से 10 नंबर का इंप्रूवमेंट राइटिंग में होगा। इस टेम्पलेट में क्या करना है, देखो एक तो घबराना मत, ये क्या ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रखा है सर, ये सारे मुश्किल वकैब है, ठीक है। तो मुश्किल वकैब से थोड़ा सा कम घबराना है, चिंता नहीं करनी कि ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ऐसा तो डेंजरस कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, टॉपिक्स आप देखो टेम्पलेट सेम ही है दोनों। इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इट इज एन इरिफ्यूटेबल फैक्ट दैट टॉपिक्स एंड टेंस, और इसमें भी सेम वही है, अगली लाइन भी सेम है, मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल सेम है। बेनेवोलेंट की जगह पर बेनिफिशियल लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जान बूझ के हमने कुछ ऐसी चीजें चेंज कर रखी हैं, तो बेनिफिशियल ही लिखना है दोनों में। टू मेनी पीपल आई स्ट्रॉन्गली एग्री विद द अबव मेंशन ओपिनियन ड्यू टू नोटेबल रीजन। BP1 में अब थोड़ा सा चेंज आएगा। ऑन द वन हैंड देयर इज अ प्रैक्टिकल फैक्टर व्हिच अफर्म्स माय एग्रीमेंट ऑन द गिवन आर्गुमेंट। अभी यहाँ पे बस आपको क्या करना, देखो मेन टॉपिक है, एक फायदा सोचना पड़ेगा, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आपके पास थोड़े से दिन है, 1-2 दिन, तो अपने को प्रैक्टिस करने का समय भी चाहिए होगा, तो थोड़ा सा टाइम इसके लिए लगता है। बट देखो फिर भी बात है कि कोई भी ऑक्सफोर्ड में या किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको ये कह रहा है कि बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन कर लेना, तो वो आपका दुश्मन नहीं है जो आपको ये कह रहा है, उसको पक्का कुछ फायदा दिख रहा है, तो वो तभी उस फायदे के लिए आपको ये बोल रहा है। तो ये बात आपको भी पता है कि जो काम थोड़ा सा मुश्किल होगा उसका फायदा ज्यादा होगा। तो हल्का सा मुश्किल आ सकती है, पर मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या फायदा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, और अगर आप मुझे बता पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का फायदा है बेटर एक्सपीरियंस, कोई भी 2 वर्ड सोचने, बस 2 वर्ड में फायदा बताना है। जैसे मान लो आपको लगता है कि सर एक फायदा है बेटर एक्सपीरियंस, और यूनिवर्सिटी का नुकसान क्या है कि कोस्ट ज्यादा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोस्ट कैसा होता है, हाई कोस्ट, तो मैंने इसका नुकसान लिख दिया हाई कोस्ट। एक फायदा और एक नुकसान सोचना है। अगर आपको लगे कि मुझे ये फायदा नुकसान नहीं समझ आ रहे सर, फायदा नुकसान मेरे को पता ही नहीं चलते, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता, तो मैं अपना नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ वीडियो में, आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जितने अभी पेपर में लिस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो वो, और प्लस सारे क्वेश्चन में 7-7, 8-8 फायदे हमने बना रखे हैं, हर क्वेश्चन के 6-6, 7-7 नुकसान हमने लिख रखे हैं, 2-2 वर्ड के ऐसे, तो वो मैं लिस्ट आपको पूरी सेंड कर दिया, तो लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप इस लिस्ट को पढ़ के भी ये फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कॉमन सेंस है इतना कि मैं खुद ही कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि क्वेश्चन में चलते हैं, अभी देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा ट्विक ये करते हैं। 1 में लिखा लार्ज शॉपिंग मॉल, क्या फायदा होता है लार्ज शॉपिंग मॉल, मान लो मेन टॉपिक है, फायदा है जी कन्वीनियंट या सेव टाइम, और नुकसान है जी एक्सपेंसिव ब्रांड। या स्मॉल शॉप की बात करें, फायदा क्या होता है चीप शॉपिंग, नुकसान क्या है वेस्टेज ऑफ टाइम। आगे आज जो डिजिटल एज आ चुकी है, डिजिटल एज का मतलब हमारे चारों तरफ कंप्यूटर है मोबाइल फोन है, इसका क्या फायदा है, तो फायदा है जो डिजिटल एज का कि कन्वीनियंट लाइफ स्टाइल या बेटर लाइफ स्टाइल, और नुकसान क्या है डिजिटल एज का, तो नुकसान है जी लेजीनेस या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तीसरे में आ गया पर्सनल फाइनेंस का क्या फायदा है, पर्सनल खुद के पैसे के बारे में पढ़ना, इसके क्या फायदे हैं, तो पहला आ गया बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ इतना, नुकसान हो सकता है वेस्टेज ऑफ टाइम। दिमाग थोड़ा सा लगाओ इसमें, ज्यादा परफेक्ट नहीं होना, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर ही मुझे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक फायदा और एक नुकसान सब में ढूंढा, अब लिखना कैसे जल्दी से समझो। मेन टॉपिक कैन लीड टू, जैसे फायदा तो मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैन लीड टू बेटर एक्सपीरियंस, बाकी सारा सेम है। विच कुड बी अ सब्सटेंशियल फैक्टर फॉर एग्जाम्पल रिसेंट आर्टिकल इन द एज, फलाना फलाना सारा सेम। ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट द आर डिस्कस्ड, अब अगले में क्या लिखना है, शुड बी सर्कमस्पेक्ट लेस, मेन टॉपिक शुड पोज अ थ्रेट टू सोसाइटी। आगे देखो मेन टॉपिक कैन लीड टू नुकसान, तो जैसे मैंने कहा ये जो मेन टॉपिक था हमारा, तो मेन टॉपिक था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैन लीड टू हाई कोस्ट, और आगे देखो कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो ये सारा सेम टेम्पलेट उसी तरह से चलेगा, बस इसमें एक जगह पे 2 वर्ड का फायदा और 2 जगह 2 का नुकसान। तो मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट आपको सेंड करने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर आपके सामने है, लेकिन प्लीज ध्यान रखें कि कोई बड़ी गलती मत कर बैठना, अभी भी समय है। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम
आप ये ना सोचें कि बड़े गलत समय पे हमने पेपर भर रखा है, आप अभी भी ठीक हैं, क्योंकि जिन 4-5 दिनों में पिछले जिन बच्चों ने पेपर खराब किया, अगर आप उनसे पूछें तो बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो दोबारा पेपर देने के लायक नहीं है अभी। तो यू आर लकी कि समय रहते हमें अभी भी इसके बारे में पता है, और आप अगर आपको भी फ्रेंड भी इस पे टेम्पलेट पे स्कोर करके आ रहा है या पेपर दे के आ रहा है, तो आप एक बार स्किल प्रोफाइल में, ये नहीं कह रहा कि इससे 50 नहीं आएंगे, 52-54 भी आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बार स्किल प्रोफाइल जरूर चेक करना, और अगर आपको उसमें ऐसी कोई फोटो दिखे तो आप समझ लेना कि वो 54 वाला बच्चा वो राइटिंग में शायद 74 डिजर्व करता था, लेकिन वो 54 पे आया। तो 54 वाले प्लीज अपने अपने स्कोर को ये चेक करें कि एक्सटेंडेड राइटिंग में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए। फिलहाल एक बार आज की इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, आई होप कि कुछ नया अच्छा सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट है प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूँ। थैंक यू।